को भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने आटा चोरों, वोट चोरों, बिजली चोरों को, गैस चोरों को, चीनी चोरों को, आपने उनका मकबरा बनाकर यहीं पर दफन किया है उन्हें। ये इलेक्शन नहीं था। अभी मिलके नारे लगाएंगे, बड़े नारे लगाने हैं। वो नारा पता है ना, मेरे वोट पे डाका, अभी लगाएंगे, अभी लगाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि हर सूबे से पे दर पे शिकस्त इमरान खान का जब मुकद्दर बनी, तो उसने अपनी डूबती हुई इज्जत और कश्ती बचाने के लिए उसने दसका की सीट पर डाका डाला। लेकिन मैं दसका की बहादुर अवाम का शाबाश देना चाहती हूं कि आपने वोट पर डाका नाकाम बनाया। शाबाश, जिंदाबाद। ये इलेक्शन नहीं था, ये आटा चोरों, बिजली चोरों, चीनी चोरों, गैस चोरों के और वोट चोरों के खिलाफ एक रेफरेंडम था, जिसका फैसला पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से आया। और देखो, सिंध में इलेक्शन हुआ, बुरी तरह हारे। बलूचिस्तान में इलेक्शन हुआ, बुरी तरह हारे। और नौशहरा में अल्लाह ताला के फजल करम से शेर ने और नवाज शरीफ ने इनके घर में घुस के इनको मारा। जिस नवाज शरीफ को कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई, वो लंदन में बैठा है, लेकिन इनके घर में घुस के इनको मार रहा है। देखो, सिंध में इलेक्शन हुआ, हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुआ, हार गए। बलूचिस्तान में इलेक्शन हुआ, हार गए। लेकिन डाका डालने की कोशिश कहां हुई? पंजाब में। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ठीक है, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है पंजाब में, शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है पंजाब में, लेकिन क्या तुमने पंजाब को इतना लावारिस समझ लिया था कि तुम पंजाब पर डाका डालोगे और पंजाब तुम्हारा मुंह देखता रहेगा? नहीं। पंजाब ने ना सिर्फ अपने वोट पर डाका नहीं डालने दिया, पंजाब ने वोट चोर पकड़ लिए। पंजाब ने कहा, ठहरो, पंजाबियों के वोट पर डाका डालने आए हो? पंजाबी जब जाग जाते हैं तो घर तक छोड़ के आते हैं। और पंजाब ने, खसूसन दसका के आवाम ने और वजीराबाद के आवाम ने, ना सिर्फ अपनी बेइज्जती और वोट पर डाके का बदला लिया, बल्कि 2018 के जाली इलेक्शन का पोल भी खोल दिया पूरे पाकिस्तान के सामने। एक मिनट, मरियम के पापा आएंगे क्या? क्या बोल रहे हैं? क्या करेंगे? अच्छा, एक मिनट, मरियम के पापा रोजगार तो इंशाल्लाह बाद में लाएंगे, पहले इन वोट चोरों को रुलाएंगे। और देखो, ऊपर से शर्म भी नहीं आती इनको, इतनी बुरी तरह हारे हैं हर जगह से, और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारा वोट बढ़ गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इतने सियाने बनने की जरूरत नहीं, अवाम जानती है कि किस तरह तुमने फायरिंग करके खौफ और हरास का माहौल पैदा किया, किस तरह तुमने वजीराबाद और दसका में पोलिंग स्टेशन पे, जहां हर पोलिंग स्टेशन पे
शेर के वोटर्स की कितारें लगी हुई थी, किस तरह तुमने वहां पर पोलिंग बूथ्स के दरवाजे बंद रखे और शेर के वोटों को वोटर्स को घंटों इंतजार कराया, पोलिंग स्लो डाउन की, लेकिन फिर भी जब शेर के वोटर्स ने डरने से इनकार कर दिया, जाने से इनकार कर दिया, तो वोटों के थैले उठा के भागते बने, और जब थैले उठाकर भागते बने और पकड़े गए, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया। वजीराबाद वालों, 2018 के इलेक्शन में वोट चोरी सुना था ना, बक्सा चोरी सुना था ना, लेकिन अमला चोरी कभी सुना था? तो 2018 में बक्से चोरी हुए, 2021 में पोलिंग स्टेशन का अमला ही चोरी हो गया। बड़ी तरक्की की थी है भाई, ये नया पाकिस्तान बन नहीं रहा, पुराना पाकिस्तान वापस आ रहा है। पाकिस्तान जाग चुका है, पंजाब जाग चुका है, और इंशाल्लाह ताला पुराने पाकिस्तान को वापस लाके ही दम लेगा इंशाल्लाह ताला। और फिर एक मिनट, अभी लगाते हैं नारे, अभी एक मिनट, मुझे पता है बड़ा जोश और जज्बा है, मिलके नारे लगाएंगे इंशाल्लाह। और देखो, 20 पोलिंग स्टेशन का अमला गायब कर दिया, और 14 घंटे के बाद सुबह सुबह वो अमला बाजमात आरओ के ऑफिस में अचानक वारिद होता है, अचानक मुंह लटकाए हुए है। जब उनसे पूछा गया कि 14 घंटे तुम कहां रहे, तो कोई कहता है मेरी ऐनक टूट गई थी, कोई कहता है मैं रास्ता भूल गया था, कोई कहता है धुंध बड़ी थी, कोई कहता है गाड़ी खराब हो गई थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूं, सबसे पहले 10 का क्या चांद पे है कि आते आते 14 घंटे लग जाते हैं? और जिन पोलिंग स्टेशन वालों की एनके टूटी थी, जिन पोलिंग स्टेशन पे धुंध पड़ी थी, जिन पोलिंग स्टेशन वालों की गाड़ियां खराब हो गई थी, उन पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आसमान पे पहुंच गया, अचानक आसमान पर चला गया। जहां पूरे हलके में 30-35% वोट पड़ा, वहां अचानक उन 20 पोलिंग स्टेशन पे 80-85% वोट पड़ गया। तो बड़ी एडवांस जमात है तरीके इंसाफ, पूरी रात लाइनों में लग के वोट डालते रहे, वाह 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 वाह। और अब हम एक सेकेंड, और मैं बेटा एक मिनट, प्लीज एक मिनट, देखो फिर मैं आपसे बात नहीं कर सकती, क्या फायदा? और फिर मैं तलक शौकत मंजूर चीमा और नौशीन इफ्तखार जो डस्का से जीती है मुस्लिम लीग नून की, मैं मुस्लिम लीग नून की इन शेरनियों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूं। क्या शेर की तरह लड़ी है, शाबाश। और मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान क्या है? अब एक साथ शेर तो है ना, लेकिन अब एक साथ छोटी सी शेरनी भी आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून अब शेरनियों की भी जमात है, शेरनियों ने भी कमाल करके दिखाया, शाबाश। पूरी की पूरी इंतजामिया को, पूरी की पूरी जाली हुकूमत को, पूरी एजेंसीज को इन दो शेरनियों ने दिन में तारे दिखा दिए, शाबाश नौशीन, शाबाश तलत, और शाबाश हर उस वोटर को, हर उस खातून को,
हर उस बेटे को जिसने जमहूरियत और वोट को इज्जत दो का मुकदमा लड़ा। और आज आज जब मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन में अपना मुकदमा लेकर गई, इलेक्शन कमीशन ने खुद ये बात कह दी कि हमारे 20 अफसरान अगवा हो गए थे। और जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे राब्ता करना चाह रहा था तो ना उनके फोन ऑन थे और ना ही उनका पता चला। भाई मुझे बताओ, क्या धुंध में फोन भी बंद हो जाते हैं? ये कौन सी साइंस ने तरक्की की है जिसमें धुंध में इंसान के फोन भी बंद हो जाते हैं? और अब जब मुस्लिम लीग नून ये मुतालबा कर रही है कि हमें सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस का नहीं, हमें पूरे दसका का दोबारा से रीपोलिंग, यानी कि पूरे दसके का इंतखाब हमें दोबारा चाहिए, तो इमरान खान बड़ा सियाना बन के कहता है चोरी जो की हुई है, चोरी तो की हुई है और रंगे हाथों पकड़ा भी गया है, तो बड़ा सियाना बन के कहता है चलो कोई बात नहीं, 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इलेक्शन करा लो। वो पता है ना, पता है ना कि जब आप लोग तो ज्यादा बेहतर जानते हो, गांव में जब चोर भागता जाता है, चोर पकड़ा जाता है, जब चोर पकड़ा जाता है तो कहता है ओहो अब तो मैं पकड़ा गया, ऐसा करो ये माल मैंने चोरी की है ये वापस ले लो, मुझे सजा ना दो। तो इमरान खान जब चोरी पकड़ी गई और रंगे हाथों पकड़ी गई तो कहता है 20 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन करा लो, लेकिन मजीद में मुझे बेनकाब ना करो। तो क्या पागल समझ रखा है मुस्लिम लीग नून को, दसका के अवाम को और वजीराबाद के अवाम को पागल समझ रखा है? अब इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होगा तो पूरे हलके में दोबारा होगा। और ये भी मैं बता दूं, जिसको तुम कहते थे ना कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, उसके एक हलके में दसका और वजीराबाद ना पहले भी नवाज शरीफ का था, आज भी नवाज शरीफ का है और इंशाल्लाह कल भी नवाज शरीफ का रहेगा। दसका में अल्लाह ताला के फजलो करम से इनकी जमानतें जब्त हो जाती और इनसे जरा पूछो इनको वोट कोई क्यों देगा? क्या आटा सस्ता हो गया है? ऐसे नहीं हाथ उठा के जवाब दो, क्या आटा सस्ता हो गया है? क्या चीनी सस्ती हो गई है? क्या बिजली और गैस के लंबे लंबे बिल आने खत्म हो गए हैं? क्या कोई भी काम इस हुकूमत का ठीक है? तो फिर खुद ही बताओ, जब आवाम हाथ उठा उठा के इनको बददुआएं दे रही है तो ऐसे में कौन है जो इनको वोट देगा? इनको तो केपीके में इनकी होम ग्राउंड से इनको वोट नहीं मिला, लोगों ने वहां भी मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ के बयानिए को वोट दिया। और नवाज शरीफ पे झूठे इल्जाम लगाकर, नवाज शरीफ पर बोतान लगाकर फिक्स्ड मैच के जरिए नवाज शरीफ को ना सिर्फ मुल्क की सियासत से बल्कि मुल्क की सियासत से और मुल्क से बाहर रखने की कोशिश की। लेकिन एक और बात सुन लो, फ्रॉड शीट को जानते हो ना, फ्रॉड शीट को जिसको इन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत ले आओ और आपके अरबों रुपए इनको दिए, आपकी मेहनत की कमाई के अरबों रुपए, आपकी खून की पैसे की कमाई के अरबों रुपए, आपके टैक्स के अरबों रुपए इनको दिए और आखिर में क्या किया? अल्लाह ताला का करना हुआ, उन्होंने नवाज शरीफ को तो क्या पकड़ना था, उल्टा 45 लाख रुपया नवाज शरीफ के घर पे नवाज शरीफ को देकर गए हैं। इसको कहते हैं लेने के देने पड़ गए। और याद रखो वजीराबाद वालों, अगर पाकिस्तान में थोड़ा सा भी इंसाफ होता, थोड़ा सा भी इंसाफ होता, इंसाफ का कोई मयार होता,
तो नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमात है ना मुजहिका खेज, उनको कोई अदालत भी नाकाबिले समात करार दे देती। इतने झूठे और इतने मुजहिका खेज मुकदमे हैं। और फ्रॉड शीट को घर जाके 45 लाख रुपया देकर आए हैं। तो हर आने वाला दिन इनको रुसवा कर रहा है, इनके चेहरे अवाम के सामने ला रहा है, और हर आने वाला दिन आपके और हमारे लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ को सुरखरू कर रहा है। अच्छा एक और बात, इनके चंद लोग टीवी पर कह रहे थे अगर धांधली हुई भी है तो बेचारे ये जो पंजाब का मासूम सा वजीर आला, उसका नाम क्या है, जो पंजाब का, देखो वो बेचारा मासूम सा वजीर आला, देखो जब इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई जहां पर एजेंसीज इन्वॉल्व थी, अब नाम में इंशाल्लाह बाद में ये खुद ही बता दे वरना हमको नाम भी बताने पड़ेंगे। मेरे पास, हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी आ गई है, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि ये खुद ही अपनी चोरी बोल दे। वो जो इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, अल्लाह करे कि सारे हकायक उसमें सामने आ जाएं। लेकिन अब ये सब कुछ जो बुजदार पर डालते हैं, मैं ये बता देना चाहती हूं कि इसमें सिर्फ बुजदार कसूरवार नहीं है, इसमें इमरान खान वोट चोर पूरे का पूरा जिम्मेदार है। और मैं इलेक्शन कमीशन से ये दरखास्त करना चाहती हूं कि अब सिर्फ इनकी चोरी नहीं पकड़नी, इनके जो जो भी अफसरान, जो जो भी एजेंसीज के अहलकार, जो जो भी हुकूमती अहलकार, जो जो भी पुलिस के अहलकार, जिसमें कौन सा विल के, वो जुल्फिकार विल्क, जिसने अपने हल्फ से गद्दारी कर इमरान खान वोट चोर का साथ दिया, ऐसे अफसरान को सिर्फ बेनकाब नहीं करना। मैं इलेक्शन कमीशन से ये दरखास्त देती हूं कि इनकी पेटियां उतरवाई जाएं, इनको सजाएं दी जाएं, और इनको इबरतनाक इनके साथ सलूक किया जाए, ताकि आइंदा पूरे पाकिस्तान में ये वोट चोर कभी भी पाकिस्तान के अवाम के वोट पर डाका ना डाल सके। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं, एक मिनट, आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को पता नहीं था, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूं कि अपनी ऑफशोर कंपनी छुपाई और वो गलती अकाउंटेंट के नाम लगा दी। अदालत में बनी गाला के 300 कनाल पर मबनी महल का जाली एनओसी जमा कराया, गलती स्टैंप पेपर वाले के सर पे थोप दी। फॉरेन फंडिंग में अरबों रुपए के पैसे भारत से और इसराइल से आए, गलती एजेंट्स के सर थोप दी। धांधली के रिकॉर्ड टूटे धांधली के बुजदार गवर्नमेंट पे गलती थोप दी। आटा चोरी, चीनी चोरी, दवाई चोरी, सब्जी चोरी, बिजली चोरी, मैंने नहीं की, मेरी एटीएम्स ने की है। तो कितना मासूम आदमी है भाई, कितना मासूम आदमी है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं, जो मैं पिछली दफा यहां कहकर गई थी कि विच्चों वोट चोरी करी जाओ ते उतो रौला पाई जाओ, भाई बंदा ईमानदार है, बंदा ताबेदार है, पूरी ईमानदारी से इलेक्शन चोरी किया है, बंदा ईमानदार है। देखो अगवा बराए तावान का सुना था ना, अगवा बराए नोट का भी सुना था ना, अगवा बराए वोट सुना है कभी?
इसी तरह इन्होंने जब ये हर चीज करके हार गए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को चोरी कर दिया। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूं, और हर चीज का इल्जाम देते हो ना, पिछली गवर्नमेंट ने कर दिया, नवाज शरीफ ने कर दिया, हर चीज का इल्जाम नवाज शरीफ हुकूमत को देते हो, तो चलो अवाम ने वोट भी नवाज शरीफ को डाल दिया, रोते रहो। तो अब वोट चोरों की हुकूमत आखिरी सांसों पर है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना वेंटिलेटर, सांस, मस्नूई सांस देने वाली मशीन। वोट चोरों की हुकूमत आखिरी सांसों पर है। और एक बात आखिरी में पंजाब को भी कहना चाहती हूं और पूरे पाकिस्तान को कहना चाहती हूं, मेरे साथ मिलके नारा लगाना, मैं कहूंगी खात्मा अंधेर का, वोट सिर्फ शेर का। बोलो, पूरा पाकिस्तान अगर महंगाई से निजात चाहता है, पूरा पाकिस्तान अगर आटा चोरी से निजात चाहता है, पूरा पाकिस्तान अगर चीनी चोरी से निजात चाहता है, पूरा पाकिस्तान अगर महंगी सब्जियों, महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगे अंडों, महंगी मुर्गियों, महंगे गोश्त, महंगी सब्जियों, महंगी दवाओं से निजात चाहता है, तो शेर का साथ दो और मेरे साथ नारा लगाओ खात्मा अंधेर का, हाथ उठा के खात्मा अंधेर का, खात्मा अंधेर का। और आखिर में पूरे पाकिस्तान में बल्कि लंदन में आवाज जानी चाहिए कि मेरे वोट पे डाका। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के जो छतों पर मेरी बहनें खड़ी हैं, वो भी एक आवाज आनी चाहिए जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में जाए, मेरे वोट पे डाका, मेरे वोट पे डाका, मेरे वोट पे डाका। इंशाअल्लाह ताला चोर पकड़े गए हैं, चोरी पकड़ी गई है, अब इनका इत्तेसाब बाकी है, वो भी चंद दिनों की बात है। जीत इंशाअल्लाह ताला वोट की इज्जत की होगी, जीत इंशाअल्लाह ताला ईमानदारी की होगी, जीत इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की होगी।